हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम द बुक बायोलॉजी ऑफ क्लास 11। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन यानी कि श्रेणीकरण या श्रेणी में अलग अलग चीजों को बैठालना या उनको अलग अलग वर्ग में बांटना, है ना। बायोलॉजिकल चीज, अगर बायोलॉजिकल शब्द जो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जीवनमय चीजों को जिनमें कि जीवन है, दैट मीन्स दोज हु आर लिविंग, उनका वर्गीकरण हो रहा है, उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा जा रहा है ना। यही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टू क्लासिफाई, टू कैटेगराइज, टू कैटलॉग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरीज इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब करना क्यों है, क्या जरूरत है? तो आपकी किताब कहती का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कहता है कि फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब या दैट मींस जैसे ही ह्यूमन सभ्यता की पता चलता है, उसके बाद लोगों का दिमाग शुरू हो जाता है खुरापात में। मतलब क्या, अब देखा लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे जिनका दिमाग ज्यादा चलता था, उन्होंने देखा यार दो लाइक जीवन और मरण सिर्फ इंसान में नहीं है, जानवरों में भी है। ठीक है, पशु में, पक्षियों में, सब में है। दैट मीन्स हम सब हैं तो एक कुछ एक ही जैसी चीज से बने हुए, लाइक हमारा जो साइकिल है वो बर्थ से लेकर डेथ तक ही है। तो लेट्स क्लासिफाई अस, हैं क्या हम, वर्गीकरण जरूरी था। तो और जैसे जैसे पढ़ाई का विकास हुआ, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी अलग अलग रूप देखने को आए। तो इसी जर्नी में सबसे पहले 2500 साल पहले अरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में अगेन इनको लगा कि यार और कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े झाड़ हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं, घने झाड़ टाइप के हैं, और छोटे छोटे नाजुक से भी पेड़ पौधे हैं, उन्हें क्या कहें। तो इन्होंने कहा कि ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, इन 3 कैटेगरी में प्लांट को आगे डिवाइड कर देते हैं। अब एनिमल के केस में क्या करें, एनिमल के केस में इन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स जो हैं, जो कि जिनके अंदर जो ब्लड है वो रेड कलर का है, कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं होता है, कुछ अजीब सा ही फ्लूड होता है। तो इन्होंने इस तरह से विभाजन कर दिया एनिमल्स का कि दोज हु आर कंटेनिंग रेड ब्लड आर कॉल्ड रेड ब्लड एनिमल्स, एंड जिनमें नहीं है उनको तो खैर चलिए वो एक अलग ही कैटेगरी छोड़ दी। ठीक है, अब इसी से ये लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो लोगों ने और पढ़ना शुरू किया कि यार और नहीं, और क्लासिफाई करेंगे, और क्लासिफिकेशन हम और पढ़ेंगे, और लेट्स क्लासिफाई इट प्रॉपरली। तो इसी सीरीज में ना चलते 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 1758 में कार्ल लिनियस ने भी एक अच्छा, एक कंसीडर किए जाने वाला उस टाइम में एक क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि इन्होंने लिविंग को बांटा प्लांट्स एंड एनिमल में। अगेन प्लांट्स एंड एनिमल यही चल रहा था, बट यहाँ जो लूप होल था ना वो ये था, इन्होंने यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ये सब कंसिडर ना करके सिंपल 2 कैटेगरी में कर दिया, और आगे इन्होंने कुछ नहीं किया। काफी टाइम तक इनका ये क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन जो या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी इन्हीं के इसको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था, तो उसको कंसिडर किया गया। बट जैसे जैसे लोगों के दिमाग में और काम करना शुरू किया, लूप होल्स दिखे, ठीक है, लूप होल्स दिखे, तो इस दौरान और भी होते गए क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो रहे हैं और भी लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी पूरी जर्नी में कुछ लोगों ने, और जो लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया ना, उन्होंने क्या किया, अगेन प्लांट एंड एनिमल के बेसिस पे ही चल रही थी चीजें, और प्लांट्स में रख दिया हर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसके के पास एक सेल वॉल है, सेल के बाहर भी एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, सेल वॉल, उसमें रख दिया किस किस को, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फॉर्म्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब बात करें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके पास सेल वॉल है, बट किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, चलो ये तो कॉमन फीचर हो गया, एंड ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक भी है। फंजाई की सेल वॉल है लेकिन अलग मटेरियल की बनी है, जो कि बनती है काइटिन की। ठीक है, और ये एक यूकैरियोटिक है। मॉसेस, फॉर्म्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी बनती है सेल्युलोज की, सेल्युलोज जो सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ
हर प्लांट के पास ये सेल वॉल के रूप में उपस्थित है, ठीक है। ये पॉइंट है कि कौन सा सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ऑन अर्थ, ये क्वेश्चन में आ जाता है नीट के, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ठीक है, चलिए सेल वॉल है, लेकिन यहाँ पे यही लूप होल था कि इन सबका मटेरियल तो अलग अलग है ना भाई, एंड दे ऑल आर नॉट प्रोकैरियोट, ना ही ये यूकैरियोट है, तो अब यहाँ पे भी एक और लूप, दूसरा लूप होल ये था कि अब क्या करें भैया, यहाँ आगे कंफ्यूजन है। तीसरा ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ होते हैं हीटरोट्रॉफिक। BGA कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, फंजाई हीटरोट्रॉफिक है, यहाँ भी अलग ही, मतलब दे ऑल आर लाइक अपना फोटोसिंथेटिक है। तो अब यहाँ एक अगेन एक और भी लूप होल था, तो ऐसे करते कराते ना ये भी फाइनली कहा कि ये भी इतना एडिकेट नहीं है, इसको भी रद्द किया जाए। एट लास्ट 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ये अमेरिका के एक इकोलॉजी बॉटनिस्ट ही थे, प्लांट पे इनका काम था, इन्होंने आए सामने और इन्होंने कहा कि मैं देता हूँ, चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया, और उसके बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 5 अलग अलग किंगडम में। उन्होंने पॉइंट्स कंसीडर किए कि सेल टाइप क्या होगी, प्रोकैरियोटिक होगी, यूकैरियोटिक होगी, उस बेसिस पे भी मैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूंगा। इन्होंने कहा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसीडर किया जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी मैं देखूंगा, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखूंगा। और इसके चलते, इन पॉइंट्स के चलते इन्होंने 5 अलग अलग किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा। सबसे पहले लिखा, सबसे पहले आता है मोनेरा, जिसमें कि सारे प्रोकैरियोट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब इसी में आते हैं। उसके बाद आता है प्रोटिस्ट, इसमें अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं बट यूकैरियोटिक वाले, ठीक है, यूकैरियोटिक इन नेचर प्रोटिस्ट। फिर आता है फंजाई, फंजाई एक अलग ही कैटेगरी है जिसके पास काइटिन की सेल वॉल है, हीटरोट्रॉफिक इन नेचर है, ठीक है, और ये एक यूकैरियोट है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया प्लांट किंगडम है, और फिर कहा एनिमल किंगडम, ऐसे करते कराते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से सामने लेकर के आए, और जिसको कि आज तक कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द बेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आगे हम एक एक कैटेगरी, एक एक किंगडम के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। आई होप मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।